हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट बीन्स और आलू की चटपटी सब्जी बताने जा रही हूँ। ये सब्जी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही इजी वर्जन में आपको उसका बताऊंगी। तो रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी आलू और बीन्स की सब्जी। तो गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब उसमें हम ऑयल लेके ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लेके डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें जीरा लेके ऐड करेंगे 1/2 चम्मच और 1 चुटकी हींग लेके डाल देंगे। इसको अच्छे से हम स्प्लटर होने देंगे। ये देखिए जीरा अच्छे से चटक चुका है तो अब हम इसमें 1 बारीक कटी प्याज और 2 हरी मिर्च, मैंने बारीक काट ली है, वो लेके ऐड कर देंगे। अगर आपको लाल मिर्च यूज करनी है तो आप हरी मिर्च इसमें स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्च का तब यूज ना करें अगर आपको लाल मिर्च पसंद है। अब इसका थोड़ा कलर चेंज होने तक हम पका लेंगे प्याज का। ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है तो अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। इसमें 6 से 7 कलियां लहसुन की है और 1/2 इंच अदरक है। बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। थोड़ा सा ये भून जाए तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लेके ऐड कर देंगे और 3/4 चम्मच धनिया पाउडर लेके ऐड कर देंगे। तो मिक्स कर देंगे। ये सब्जी बनाना बहुत ही इजी है, मसाले भी जिससे थोड़े से भुन जाएं। अब हम इसमें आलू लेके डालेंगे। तो ये देखिए ये मैंने 2 आलू लिए थे जिसको मैंने मध्यम आकार में काट लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों में। अब इसी स्टेज पे हम नमक भी लेके ऐड कर देंगे जिससे आलू जो है थोड़ा जल्दी गलने लगे। तो 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे आलू को। 1 मिनट के लिए मैंने आलू को मसाले के साथ पका लिया है। अब हम इसमें ये देखिए 1 पाव ये बीन्स है, इसको मैंने बहुत छोटे आकार में नहीं काटा है, है बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है ये। इसको भी हम चला लेंगे 1 मिनट के लिए और बहुत ही फायदेमंद होती है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसमें 1 मिनट के लिए पका लीजिए इसके साथ। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसको ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए जिससे आलू जो है वो गल जाए। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर का यूज करेंगे। ये देखिए इसको मैंने 3 मिनट के लिए ढक के पकाया, उसके बाद फिर एक बार 3 मिनट ढक के पकाया। तो टोटल मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाया जिससे आलू थोड़े थोड़े गलने लगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला लेके ऐड कर देंगे और इसी स्टेज पे अब हम 2 बारीक कटे टमाटर भी लेके इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हम टमाटर भी इसी स्टेज पे डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसे फिर ढक के पकने देंगे 3 मिनट के लिए जिससे टमाटर गल जाए लो फ्लेम पे। इसको एक बार मैंने ढका था, उसके बाद मैं फिर इसको चला के 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी कि जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से गले नहीं है। आलू लगभग पक चुके हैं तो अब बस हमें टमाटर को गलाना है। आप चाहें तो लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, मैंने इसमें हरी मिर्च का यूज किया था। तो अगर आपको लाल मिर्च पसंद हो तो आप जरूर लाल मिर्च का यूज करें इसमें। फिर हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए अब मैंने प्लेट हटा दिया है, टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और पूरी सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। तो ये सब्जी हमारी रेडी है। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे, गैस बंद कर देंगे और धनिया की पत्ती इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स कर दें और इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लें।
सो फ्रेंड्स, हमारी ग्रीन बीन्स और आलू की चटपटी सब्जी बन के तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ओके, बाय।